नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड राज्य में सभी सरकारी व गैर सरकारी भर्ती विज्ञापन के संदर्भ में। सो इसके अंतर्गत आपके सभी मार्च व अप्रैल महीने के अंतर्गत जारी किए गए भर्ती विज्ञापन आ जाएंगे। साथ ही में इन सभी भर्ती विज्ञापन के संबंध में आपको PDF और इमेजेस आपको टेलीग्राम ग्रुप्स में देखने को मिल जाएंगे। आप टेलीग्राम ग्रुप्स को उत्तराखंड ओपन को ज्वाइन कर सकते हैं, विस्तृत जानकारी आपको उसके माध्यम से मिल जाएगी। सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस अनुबंधन पर नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति के बारे में हम बात करेंगे। कार्यालय उप परियोजना निदेशक उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना के अंतर्गत अल्मोड़ा जनपद में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत जलागम विकास घटक 2.0 के सफल संचालन हेतु इसमें पद आमंत्रित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपके सामाजिक विकास विशेषज्ञ महिला, कृषि वानिकी जलागम विशेषज्ञ एवं कनिष्ठ अभियंता, सिविल डेटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, कार्यालय सहायक के पद आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही अभी तक आपने इसके लिए आवेदन नहीं करा है तो इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.wmduk.gov.in से आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही में आपका कार्यालय उप परियोजना निदेशक उत्तराखंड विकेंद्रीकृत जलागम विकास परियोजना अल्मोड़ा के अंतर्गत ही आपका अनुबंधन पर नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति जारी की गई थी आपका, जिसके अंतर्गत तकनीकी विशेषज्ञ के भी पद आमंत्रित किए गए थे एक, एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर लेखा सहायक के पद आमंत्रित किए गए हैं, जिसकी सैलरी आपका 30,000 से लेकर 35,000 आपका तकनीकी विशेषज्ञ के, साथ ही में लेखा का सहायक एवं डेटा एंट्री ऑपरेटर के आपका 15,000 से 20,000 रुपए सैलरी रखी गई थी। अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट चेक इन कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट विज्ञप्ति आपका उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अंतर्गत उत्तराखंड के समूह के अंतर्गत स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के रिक्त पदों हेतु 824 पदों पर विज्ञापन जारी किया गया था। आपको बता दें इसकी ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 13 अप्रैल 2022 रखी गई है, अतः जिन भी अभ्यर्थियों ने इसके फॉर्म या आवेदन नहीं करे हैं वो 13 अप्रैल 2022 तक आवेदन कर सकते हैं। आपको बता दें इसकी जो सैलरी रहने वाली है 21,700 से 69,100 के बीच में रहने वाली है, जो कि आपका लेवल 3 के अंतर्गत आता है। इसमें अनुसूचित जनजाति के 113 पद, साथ ही में अनुसूचित जनजाति के 48 पद एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के 55 पद, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 55 पद व सामान्य अनारक्षित वर्ग के 533 पद हैं, जिसके अंतर्गत आपकी टोटल जो पोस्ट है वो 824 पोस्ट रखी गई हैं। साथ ही UKMSB की 824 पोस्ट की जो विज्ञप्ति जारी की गई थी उसके संबंध में आपको चैनल के माध्यम से भी वीडियो अपलोड कर दी गई थी, तो आप वो विज्ञप्ति के संबंध में भी संपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करवाई गई है। वहीं बात करें नेक्स्ट विज्ञप्ति आपका उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा ही जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत उत्तराखंड राज्य के राजकीय मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 339 पदों हेतु विज्ञापन सूचना जारी की गई थी। इसके अंतर्गत बताया गया था ऑनलाइन आवेदन की जो इसकी स्टार्टिंग डेट हो गई थी 5 अप्रैल 2022 से ऑनलाइन आवेदन इसके स्टार्ट हो गए थे। साथ ही में ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2022 शाम 5 बजे तक रखी गई है, अतः जिन भी अभ्यर्थियों ने इसके लिए आवेदन नहीं करा है वो 25 अप्रैल 2022 से पहले पहले आवेदन कर सकते हैं। इसके अंतर्गत आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के 339 पोस्ट रखी गई हैं, जिसके अंतर्गत आपको लेवल 11 के अकॉर्डिंग आपको वेतनमान मिलने वाला है। इसके अंतर्गत आपका अनारक्षित सामान्य वर्ग के लिए 179 पोस्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 80 पोस्ट है, साथ ही में अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 47 पद हैं एंड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 29 पोस्ट हैं। इस तरीके से आपके टोटल 339 पोस्ट रहने वाली है। इसके अंतर्गत विभिन्न विभागों के अंतर्गत असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। वहीं बात करें नेक्स्ट विज्ञप्ति सूचना के संदर्भ में, कार्यालय मुख्य परियोजना निदेशक जलागम प्रबंधन निदेशालय इंदिरा नगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत अनुबंधन पर नियुक्ति संबंधी विज्ञप्ति सूचना जारी की गई थी, जिसके अंतर्गत बताया गया है कि सिंचाई योजना जलागम विकास घटक 2.0 PMKBY WDC 2.0 अंतर्गत SLNA मुख्यालय देहरादून पर 11 माह के अनुबंधन के आधार पर निम्नलिखित पदों हेतु टर्म्स ऑफ रेफरेंस TOR उल्लेखित निर्धारित योग्यताधारी के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं, जिसके अंतर्गत आपका तकनीकी विशेषज्ञ कृषि, कृषि अभियंत्रण, वानिकी, भू एवं जल प्रबंधन के एक पद, साथ ही में तकनीकी विशेषज्ञ आजीविका, सूक्ष्म उद्योग, ग्रामीण विकास एवं प्रबंधन के एक पद, GIS एक्सपर्ट के एक पद, साथ ही में MIS एक्सपर्ट
कंप्यूटर प्रोग्रामर के 1 पद, तकनीकी सहायक के 1 पद एंड डेटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद हैं। इसके अंतर्गत बताया गया है परियोजन में आवश्यकता अनुसार अनुबंधन विस्तारित किया जा सकेगा। साथ ही में ऑनलाइन आवेदन पत्र, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, टीओआर आदि वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। इसकी आधिकारिक वेबसाइट www.wmduk.gov.in है। आवेदन पत्र सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से 10 अप्रैल 2022 तक 4:30 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। अति अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी दिए गए दूरभाष नंबर से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही नेक्स्ट विज्ञप्ति आपके मार्च महीने के अंतर्गत जारी की गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इंजीनियरिंग ग्रुप एंड सेंटर रुड़की के अंतर्गत। इसकी लास्ट डेट आवेदन की अभी 11 अप्रैल 2022 बताई गई है। अतः अभ्यर्थियों ने अभी इसके लिए आवेदन नहीं करा है तो आप आवेदन कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत आपका LDC की जो पोस्ट रखी गई थी UR के 4, साथ ही में नंबर ऑफ वैकेंसीज के अंतर्गत आपकी 4 रखी गई थी एंड स्टोर कीपर के भी पद इसमें थे, जिसके अंतर्गत UR कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट थी, OBC के लिए 2 पोस्ट थी, टोटल पोस्ट आपकी 3 थी। सिविल ट्रेड के भी इसके अंतर्गत पोस्ट रखी गई थी 1 और टोटल आपका EWS की भी 1 पोस्ट थी एंड OBC की इसमें 1 पोस्ट थी एंड ST की 1 पोस्ट थी, टोटल 3 पोस्ट हो गई। एंड इसके अंतर्गत कुक के भी पोस्ट थी, जिसके अंतर्गत UR की 10 रखी गई थी, टोटल पोस्ट इसमें 19 थी। MTS इसमें वॉचमैन के भी पद आमंत्रित किए गए थे, साथ ही में MTS गार्डनर के पद थे एंड MTS सफाई वाला। साथ ही इसके अंतर्गत लास्कर के भी 1-2 पद आमंत्रित किए गए थे, वाशरमैन के 3 पद थे एंड बार्बर के 4 पद थे टोटल। अधिक जानकारी के लिए आप टेलीग्राम्स ग्रुप में इसकी PDF दी गई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। साथ ही में इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट और इसके फॉर्म की अंतिम तिथि 11 अप्रैल 2022 है और इसकी जो पे स्केल है आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। संपूर्ण जानकारी आपको टेलीग्राम्स ग्रुप में ही देखने को मिलेगी।